सोचिए अगर आप ड्रीम इलेवन में 1 करोड़ रुपया जीत जाते हैं तो आपके खुशी का ठिकाना कहां पर होगा। आप इस ख्याल में डूब जाएंगे कि उन रुपयों का क्या करना है। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद अगर आपको ये पता चले कि आप उन रुपयों को खो दिए हैं, आपके उन पैसों को जालसाजों ने आपके खाते से उड़ा दिया है, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसमें एक युवक जो कि मेहनत मजदूरी करता था, वह ड्रीम इलेवन पर एक टीम बनाता है, वह 1 करोड़ रुपया जीत जाता है, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से जालसाजों ने उसके खाते से पूरा का पूरा पैसा ही साफ कर दिया। वह फिर से करोड़पति से खाकपति बन गया। आपको यकीन नहीं होगा कि जालसाजों ने बड़ी चालाकी से ही उसके खाते से रुपयों को अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। दोस्तों, यह वीडियो इसलिए आपके लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप भी ड्रीम इलेवन पर या कहीं और टीम बनाते हैं तो आप भी ऐसी एक छोटी सी गलती की वजह से अपने रुपयों को खो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस पूरी घटना को। यह घटना उस समय की है जब 2022 में आईपीएल का सीजन चल रहा था। एक 30 वर्षीय युवक जिसका नाम मोहम्मद जियाउद्दीन था, वह चेन्नई के एक लेदर फैक्ट्री में काम करता था। वह दस्ताने बनाने का काम करता था। वो बिहार के मधुबनी थाना क्षेत्र के छौरही गांव का निवासी है। वह पिछले एक महीने से ड्रीम इलेवन पर टीम बना रहा था, लेकिन इस बार 28 अप्रैल को वह ड्रीम इलेवन पर एक टीम बनाता है और उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है। वह 1 करोड़ रुपया जीत जाता है, लेकिन वह एक छोटी सी गलती कर देता है जिससे उसे फिर से करोड़पति से खाकपति बनना पड़ गया। दरअसल उस दिन उस मैच में 30,76,923 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें जियाउद्दीन को फर्स्ट प्राइज मिला। जियाउद्दीन को टैक्स काटकर कुल 70,67,50 रुपये मिले। उनके अकाउंट में ड्रीम इलेवन के वैलेट में इतना रुपया डिपॉजिट हुआ। ड्रीम इलेवन के वैलेट में जब इतने रुपये आ गए तब जियाउद्दीन ने सोचा क्यों ना इस रुपये को लाओ अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया जाए, लेकिन इत्तेफाक से केवाईसी ना होने की वजह से वह उन रुपयों को अपने खाते में ट्रांसफर नहीं कर पाए। तब जियाउद्दीन ने सोचा क्यों ना परिवार वालों या दोस्तों के अकाउंट में इस रुपये को ट्रांसफर कर लिया जाए, लेकिन फिर भी उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। ऐसा करने से बार बार ट्रांजेक्शन फेल्ड बता रहा था। तभी अगली सुबह 1 मई को उनके पास एक ओटीपी आता है। ओटीपी आने के तुरंत बाद ही एक नए नंबर से फोन भी आता है। जियाउद्दीन फोन को रिसीव करते हैं। उधर से एक शख्स बातें करता है। वह कहता है कि अगर तुमने इस ओटीपी को नहीं बताया तो तुम्हें किडनैप करके मार दिया जाएगा। जियाउद्दीन जो कि चेन्नई में अकेले रहता था, उसे अब डर लगने लगा। उसे लगा कि उसकी जान को अब खतरा है, इसलिए उसने तुरंत ओटीपी फोन पर बता दिया। और जैसे ही उसने ओटीपी को फोन पर शेयर किया तभी तुरंत एक दूसरा कॉल आया जो कि एक नए नंबर से था, लेकिन जियाउद्दीन ने उस नए नंबर को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया। हालांकि थोड़ी देर के बाद ही उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अगली सुबह को यानी कि 2 मई को जब जियाउद्दीन ने मोबाइल को स्विच ऑन किया तब जीमेल का लॉगिन बता रहा था। इसको देखकर जियाउद्दीन को कुछ अनहोनी होने की शंका लगी, इसलिए उन्होंने नया जीमेल तुरंत बनाकर लॉगिन किया। और जैसे ही लॉगिन करके उन्होंने अपने ड्रीम इलेवन के वैलेट को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। उनके सारे रुपयों को जालसाजों ने गायब कर दिए थे। उनके ड्रीम इलेवन के वैलेट में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। जियाउद्दीन को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें लगा कि उन्हें घर जाना चाहिए, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर आ सके, इसलिए उन्होंने घर से पैसे मंगाए। उसके बाद वो वहां से घर वापस आए। घर आते ही उन्होंने देखा कि उनके सिम का नेटवर्क ही गायब हो गया। ना कोई फोन आ रहा था, ना ही कोई जा रहा था। उन्हें लगा हो सकता है कि नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम रही हो, इसलिए उन्होंने तुरंत जाकर दुकान पर उस सिम को ऑन कराने की कोशिश की। जैसे ही वो दुकान वाले के पास जाते हैं, दुकान वाले से पूछते हैं, सारा मामला बताते हैं।
दुकान वाला उनके नंबर को चेक करता है। उसके बाद वो जियाउद्दीन को बताता है कि तुम्हारे नंबर को जियो से एयरटेल में पोर्ट कर लिया गया है और एयरटेल का यह सिम जो पोर्ट हुआ है वह गुड़गांव के किसी मोहित नाम के लड़के के नाम पर है। जियाउद्दीन को पूरा मामला समझ में आ जाता है कि उसके पैसों को कैसे जालसाजों ने धीरे धीरे करके सब निकाल लिए। हालांकि दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई सिम दूसरे नेटवर्क में पोर्ट होता है तो उधर से कस्टमर केयर का रेफरेंस कॉल आता है कि आप हमारे नेटवर्क को छोड़कर दूसरे नेटवर्क में क्यों जा रहे हैं। हो सकता है एक बार नहीं दो बार कॉल आता है, मैसेज भी आते हैं, लेकिन जियाउद्दीन के इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यही सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी कि जियो का वहां से रेफरेंस कॉल क्यों नहीं आया। जियाउद्दीन इन सारे कागजातों को लेकर लोकल थाने में जाते हैं, लेकिन वहां टाल मटोल करके उनका FIR नहीं लिखा जाता। तब जियाउद्दीन सोचते हैं क्यों ना SP ऑफिस जाया जाए। वो कुछ लोगों को लेकर SP ऑफिस जाते हैं। SP ऑफिस में भी टाल मटोल किया जाता है, लेकिन दबाव देने पर उनके एप्लीकेशन को ले लिया जाता है और उन्हें यह तसल्ली दी जाती है कि उनके पैसे उन्हें वापस मिल जाएंगे। इस मामले को लेकर लोकल न्यूज वाले भी काफी सुर्खियां बनाते हैं, प्रशासन तक आवाज उठाते हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। एक गरीब मजदूर का, जो कि चेन्नई की एक लेदर फैक्ट्री में दस्ताने बनाने का काम करता था, बड़े मुश्किल से उसके दो जोड़ की रोटी तैयार होती थी। उसे लगता था कि वह 1 करोड़ रुपया जीत गया है तो उसकी आर्थिक तंगी और गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन दोस्तों उसके नसीब पर फिर से करोड़पति नहीं खाकपति बनना लिखा था। दोस्तों इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा ढिलवाई प्रशासन ने दी। ऊपर से उनके नंबर को जब पोर्ट करा लिया गया तो यह बहुत मामला पेचीदा हो गया। ऐसा लगा कि जैसे बहुत से लोग इसमें मिले जुले थे, लेकिन एक गरीब मजदूर क्या कर सकता था। वो जहां तक हुआ हाथ पैर मारा, लेकिन उसके रुपये नहीं मिले। दोस्तों इस पूरे मामले में आपको सबसे ज्यादा गलती किसकी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी ड्रीम इलेवन पर टीम बनाते हैं, वैसे मैं तो मना करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप ड्रीम इलेवन पर टीम बनाते हैं तो जरा ध्यान से आप अपने जीते हुए पैसों को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि जालसाज तैयार बैठे हैं आपके जीते हुए पैसों को लूटने के लिए। अगर आप भी जरा से छोटी सी गलती कर दिए या जरा सी छोटी सी चूक कर दिए तो आप भी फिर से पैसे खो देंगे जैसे जियाउद्दीन ने खोए, और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत से लोग मिले हुए होते हैं। आखिर में दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप अपने पैसों की सुरक्षा स्वयं करें, किसी के भरोसे ना रहें, कोई भी गलती ना करें, किसी से भी कोई भी चीज शेयर ना करें, ना कोई OTP शेयर करें, ना कोई अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का कोई पासवर्ड या नंबर शेयर करें। यहां तक कि अगर आपसे कोई बैंक का कोई डिटेल मांगता है तो वो भी ना शेयर करें। दोस्तों इस पूरे मामले में आप सबसे ज्यादा जिम्मेवार किसको मानते हैं? क्या एक छोटी सी गलती की वजह से किसी गरीब मजदूर को इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि उस गरीब मजदूर को उसके रुपये वापस मिलने चाहिए थे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।